आज हमने बना ली तीन तरह की शिकंजी, नींबू सोडा की शिकंजी, गुड़ की शिकंजी और अनार की शिकंजी। नमस्कार, द फूड फंडा में आपका स्वागत है। आजकल गर्मियां इतनी तेज हो गई हैं कि हमें हर समय कुछ ठंडा पीने का मन करता है। नींबू की शिकंजी एक ऐसी हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि ना सिर्फ हमारी प्यास बुझाती है बल्कि इसके अंदर मौजूद इंग्रेडिएंट्स हमें फायदा भी पहुंचाते हैं। तो आइए आज मैं तीन तरह की शिकंजी बना के दिखाती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे एक झटपट शिकंजी मसाला। मैंने ले लिया एक टेबल स्पून भुना पिसा जीरा। अब उसमें डाल देती हूँ हाफ टेबल स्पून काला नमक, साथ ही हाफ टेबल स्पून नॉर्मल नमक जो हमारा खाने वाला नमक होता है। अब इसमें मिलाना है वन टेबल स्पून चाट मसाला। कोई भी अपने मनपसंद चाट मसाला आप मिला दीजिए। और अब इस सबको हम मिक्स कर लेते हैं और हमारा तैयार हो गया झटपट शिकंजी मसाला। मैंने पहले शिकंजी मसाला बनाने की रेसिपी अपने YouTube शॉर्ट्स वीडियो में शेयर की है। यदि आप एक प्रॉपर शिकंजी मसाला बनाकर रखना चाहते हैं तो मेरा ये शॉर्ट्स वीडियो लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। हम थोड़ा सा शुगर सिरप भी बना के रख लेते हैं, जिससे मीठी शिकंजी पीनी हो उसमें शुगर सिरप ऐड कर दिया जाएगा। मैंने एक कप चीनी में एक कप पानी मिला के गैस पे रख दिया है और जब ये चीनी घुल जाएगी तो शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घोलनी है। जैसे ही चीनी घुल जाए गैस ऑफ कर दीजिए और ठंडा होने पर एक बॉटल में भर के रख लीजिए। सबसे पहले हम बनाते हैं नींबू सोडा शिकंजी। इसके लिए एक ग्लास में डालिए एक चम्मच शिकंजी मसाला। अब इसमें डालिए दो टेबल स्पून शुगर सिरप जो अभी हमने तैयार किया था। अब डाल देते हैं थोड़े से ताज़े पुदीने के पत्ते। इन पुदीने के पत्तों को अब थोड़ा सा मडल करेंगे। आपके पास मडलर हो, बेलन हो या जिससे भी चाहें, इसको ऐसे थोड़ा सा कुचल लीजिए। इससे पुदीने की बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर ताज़े पुदीने ना हो तो आप थोड़ा सा सूखा पुदीना का पाउडर भी काम चलाने के लिए डाल सकते हैं, पर ताज़े पुदीने की तो खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। अब नींबू की शिकंजी बन रही है तो नींबू का रस तो डालना ही है। मैंने तो आधे नींबू में ही काफ़ी रस निकल आया। अगर नींबू में कम रस हो तो आप पूरा नींबू भी डाल सकते हैं। अब सब कुछ मिक्स करके इसमें खूब सारा बर्फ़ डाल देती हूँ। चिल शिकंजी अच्छी लगती है। अब इसमें डालूँगी सोडा। अगर सोडे की जगह आप पानी डाल देंगे तो वो नॉर्मल शिकंजी बन जाएगी और सोडा डाल के सोडा शिकंजी बन रही है। थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि बाद में नींबू और सोडा का रिएक्शन होता है तो ऊपर से ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसे डेकोरेट कर देती हूँ लेमन स्लाइस से। इसमें एक छोटा सा कट लगा के और इसको ग्लास पर टिका दूँगी और अब एक छोटा सा पुदीने का गुच्छा भी लगा देती हूँ। तो लीजिए, तैयार है सोडा नींबू शिकंजी। अब हम बनाते हैं गुड़ की शिकंजी। एक ग्लास में हम डालेंगे तीन टेबल स्पून गुड़ पाउडर। गुड़ पाउडर मार्केट में मिलता है, वरना आप गुड़ को भी कूट के इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें एक चम्मच डाल दीजिए शिकंजी मसाला। अब इसमें गया पुदीने का पत्ता और नींबू का रस। पुदीने की खुशबू बढ़ाने के लिए अब हम इसको फिर से थोड़ा सा कुचल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा भी मत कुचलिएगा वरना पुदीने की कड़वाहट भी आ जाती है, इसलिए ज़रा सा ही मडल करना है। अब डाला इसमें बर्फ़ और फिर ठंडा पानी। इसीलिए शिकंजी या और कोल्ड ड्रिंक्स में शुगर सिरप यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ठंडा बर्फ़ हो और पानी हो तो फिर चीनी घोलना बहुत मुश्किल होता है। शुगर सिरप रहता है तो बड़ी आसानी से सब कुछ मिल जाता है। अच्छे से चला देती हूँ जिससे गुड़ भी अच्छी तरह से घुल जाए। अब इसको डेकोरेट कर दिया एक लेमन स्लाइस से और थोड़ा सा मिंट से। लीजिए, गुड़ की शिकंजी तैयार है। इसका स्वाद काफ़ी कुछ गन्ने के रस जैसा लगता है और बड़ी ही मज़ेदार होती है। अब हम बनाएंगे पोमेग्रेनेट शिकंजी, मतलब अनार की शिकंजी। सबसे पहले डाल दिया एक चम्मच शिकंजी मसाला, दो टेबल स्पून शुगर सिरप, फिर आधा कप अनार के बीज। मैं ये जो मेजरमेंट्स बता रही हूँ वो इस ग्लास के हिसाब से, ये थोड़ा छोटे साइज़ का ग्लास है। अगर बड़ा ग्लास होगा तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सामान सारी चीज़ें बढ़ा सकते हैं। अब जो पुदीने के पत्ते हमने मिलाए हैं उनकी खुशबू निकालने के लिए और अनार के बीजों में से भी थोड़ा सा रस बाहर निकालने के लिए हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मडल करेंगे। अब गया इसमें थोड़ा सा नींबू का रस
और बर्फ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़े से पुदीने के पत्ते और अनार के दानों को ऊपर भी ले आती हूँ बर्फ़ के, नहीं तो वो सारे नीचे ही तवे रह जाएंगे। अब इसे टॉप कर लेते हैं सोडा से। सोडा हमेशा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि सोडा फ्रूट जूस नींबू के रस से रिएक्ट करके बहुत सारा झाग बना लेता है और अगर हम सावधान ना रहें तो वो ग्लास से निकल कर गिरने लग जाता है। इसलिए थोड़ा सा डाल के पहले मैं मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ऊपर से और सोडा डाल देती हूँ। अब इसके ऊपर लगाऊंगी एक लेमन स्लाइस और फिर से मिंट लीव्स। इसमें हमने कोई कैंड जूस नहीं डाला है, ताज़ा अनार का ही जूस निकला है जब अनार के दानों को हमने मडल किया था। वाह, लीजिए जी, तैयार हो गई पोमेग्रेनेट शिकंजी। आज हमने बना ली 3 तरह की शिकंजी, नींबू सोडा की शिकंजी, गुड़ की शिकंजी और अनार की शिकंजी। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके लिख के बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।